हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डब्ल्यू पी थीम्स चैनल में। इस चैनल में हम डिफरेंट वर्डप्रेस थीम के इंस्टॉलेशन, उसके डेमो इंपोर्ट और उसके ट्रबल शूटिंग के बारे में देखते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एकेडमी वर्डप्रेस थीम, जो बेसिकली एडुकेशन सेक्टर के लिए बना है। LMS थीम है, ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ है। ऑनलाइन कोर्सेज चलाने के लिए ये थीम बहुत ही उपयोगी है। एकेडमी एलिमेंटल LMS ऑनलाइन कोर्स एडुकेशन थीम, इनवी थीम ने बनाया इसे। और बिल्कुल ये नया थीम है, 19 मई 2020 को ही रिलीज हुआ है। और इसके रेगुलर अपडेट्स भी आ रहे हैं। तो एकेडमी जो वर्डप्रेस थीम है, बेसिकली एडुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑनलाइन कोर्सेज के लिए बना हुआ है। इसमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी है, वेंडर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग, ई स्कूल, LMS लैंग्वेज स्कूल, डिस्टेंट लर्निंग प्रोवाइडर, मॉडर्न स्कूलिंग वगैरह सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। और इसको टेक्निकली आप समझना चाहें तो एंगुलर वर्जन भी इसका अवेलेबल है, जूम प्लगइन जो कि आजकल का डिमांड है। ऑनलाइन कोर्सेस का सीजन चल रहा है कोविड के मद्देनज़र, और ये थीम अभी तो काफ़ी पॉपुलर भी होता चला जा रहा है क्योंकि ये बिग चेंज के साथ आ रहा है। आइए हम इसका एक बार डेमो देखते हैं। एकेडमी के डेमोज में आपको मिलेंगे डेमोज वेबसाइट यानी प्रीबिल्ड वेबसाइट ऑलरेडी जो अवेलेबल है। इसमें ई लर्निंग स्कूल, किंडरगार्टन, हेल्थ कोचिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग स्कूल, योगा ट्रेनिंग, मॉडर्न स्कूलिंग, वेंडर सर्टिफिकेशन, ई ट्रेनिंग, डिस्टेंस लर्निंग और लैंग्वेज स्कूल, ये सारे अवेलेबल हैं इस थीम के साथ। तो आइए हम ई लर्निंग स्कूल वाले थीम को एक बार देख लेते हैं। काफ़ी स्टनिंग लुक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, न्यूज लेटर सब्सक्रिप्शन और GDPR कंप्लाइंसेस, मॉडर्न लुक। वेक्टर इमेजेस का भी इस्तेमाल किया गया है इसमें। पेजेस पे अगर हम नज़र डालें तो अबाउट अस पेज देख लेते हैं एक, ये भी उतने ही स्टनिंग लुक में है। इसमें शॉप फीचर भी है, इवेंट्स, कोर्सेज, तो कोर्सेज चूंकि मेन फीचर है तो इसको देखें। कोर्स की लिस्टिंग काफ़ी अच्छी है, सिंगल कोर्स अगर हम देखना चाहें तो। सिंगल कोर्स का प्रीव्यू ये है, तो अगर हम कोई और थीम देखना चाहें, ऑलरेडी कोई दूसरा होम पेज भी देखना चाहें तो ऑनलाइन ट्रेनिंग स्कूल एक देख सकते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है। तो आपको जैसी भी ज़रूरत है इन होम पेजेस में से आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमने देखा है। और आइए अब हम इसका इंस्टॉलेशन, एकेडमी वर्डप्रेस थीम का इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं जो LMS थीम है। तो मेरे पास वर्डप्रेस का प्रेस इंस्टॉलेशन है जिसमें 2020 वर्डप्रेस की थीम इंस्टॉल है, और मेरे पास है एकेडमी का थीम पैकेज जिसमें मुझे मिला है एकेडमी जिप और एकेडमी चाइल्ड जिप, लाइसेंसिंग तो होती है। तो इंस्टॉलेशन अगर हम शुरू करते हैं तो डैशबोर्ड, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से हम अपीयरेंस में जाएं, थीम्स, एड न्यू, अपलोड थीम, प्लस एकेडमी, एकेडमी जिप को अपलोड कर देना है सेलेक्ट करके, या अगर सीधे सर्वर पे हम अपलोड करना चाहें तो WP कंटेंट थीम्स, और यहाँ पे थीम्स के अंदर हम फोल्डर अपलोड कर देंगे।
ecademy.zip को, बहुत लाइट वेट है थीम, 12.09 MB की फाइल है, तो बहुत ही जल्दी हो गई अपलोड। ecademy.zip को एक्सट्रैक्ट करें, ecademy फोल्डर आ गया है, इसके सारे थीम के सारे कंटेंट्स पे आ गए हैं, थीम की कोड फाइल्स। तो ecademy.zip को डिलीट कर दें, अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। वर्डप्रेस पैनल पे आए, थीम्स, यहाँ ecademy आ गया है, थीम के डिटेल देख लें। ecademy वर्जन 4.4, ये एलिमेंटर LMS ऑनलाइन कोर्सेज थीम है, यानी एलिमेंटर पे बना है, इसे एक्टिवेट कर लें। एक्टिवेट करते ही हमें नेसेसरी प्लगइन का अलर्ट आता है, तो हम इसे अब इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नेसेसरी प्लगइन है, स्टार्ट करते हैं इसको इंस्टॉल करना। मैं हमेशा बताता हूँ कि सारे प्लगइन को आप एक बार में ही इंस्टॉल करने की, सेलेक्ट करके इंस्टॉल करने की कोशिश ना करें, एक एक करके ही प्लगइन से इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई एरर आया तो हमें पता चल पाएगा। ये थीम यूनिशॉन फ्रेमवर्क पे बना है, ये काफ़ी एडवांस फ्रेमवर्क माना जाता है, तो सबसे पहले फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना चाहिए थ्योरेटिकली, तो फ्रेमवर्क इंस्टॉल करते हैं। यूनिशॉन इंस्टॉल्ड, एक्टिवेट, उसके बाद जो एलिमेंटर जिस पे पेज बिल्डर है वो हम इंस्टॉल करेंगे। यूनिशॉन का एक बैकअप और डेमो कंटेंट एक्सटेंशन आता है, उसे भी हमें करना होगा, तो अगले स्टेजेस में कर लेंगे इसे हम। एलिमेंटर पेज बिल्डर इंस्टॉल कर लें, एक्टिवेट, ACF एडवांस कस्टम फील्ड प्रो वर्जन इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी, तो ऐसे करेंगे हम। एलिमेंटर इंस्टॉल करने के बाद ये वेलकम पेज आता है, तो हमें वापस प्लगइन्स पे जाना होगा। बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन इंस्टॉलेशन, ACF एडवांस कस्टम फील्ड प्रो, एक्टिवेट, ecademy toolkit, एक्टिवेट, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, एक्टिवेट, फ्रंट एंड PM, एक्टिवेट। अब LMS वाले प्लगइन्स आ गए हैं हमारे सामने, एक लर्न पेस है, एक ट्यूटर LMS है, तो ज़रूरत हमें एक ही पड़ने वाली है, लर्न पेस कोर्स रिव्यू या ट्यूटर LMS, लेकिन मैं जो है डेमो भी आपको दिखा रहा हूँ तो सारे ही कर देता हूँ, ताकि अगर कोई भी हम लेआउट चुने तो हम उसको इस्तेमाल कर सकें सही तरीके से, लेकिन आपको अल्टीमेटली एक ही रखना है। तो अभी लर्न पेस हम इंस्टॉल कर रहे हैं, ये LMS प्लगइन है। लर्न पेस एक्टिवेट कर लें,
लर्न पे स्कोर से भी अभी एक्टिव इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लें। न्यूज़लेटर एक्टिवेट, ट्यूटर LMS लेटर का ये लैंडिंग पेज आ गया है। तो वापस हम अब प्लगइन्स पे जाते हैं। ट्यूटर LMS एक्टिवेट, अब हम कुछ जो अलर्ट्स हैं उसको हैंडल कर लें। एक हमारे पास अब बचा है प्लगइन इंस्टॉल करना, इवेंट्स मैनेजर और WooCommerce, तो इसको भी हम कर ही लेते हैं पहले, फिर हम इस ये सारे अलर्ट्स को देखेंगे एक एक करके। WP इवेंट्स मैनेजर, WooCommerce अगर हम LMS के साथ शॉप भी चलाना चाहते हैं तो। WooCommerce की एक बेसिक सेटिंग करनी होती है तो हम उसे कर लेते हैं। एक बार पेज रिफ्रेश करें तो वो आ जाता है। WooCommerce एक्टिवेट करने के बाद पेज रिफ्रेश करें, अगर ये एरर आए तो इसे इस पोर्शन पर डिलीट करके वापस WP एडमिन पे चले जाएं और फिर WooCommerce बेसिक सेटिंग पे चला जाएगा ये अपने आप। तो मैं यहाँ डेमो इन्फॉर्मेशन डाल दे रहा हूँ, आप ओरिजिनल ही डालें। यहाँ पे ई अकेडमी सेलेक्ट करें, जेटपैक की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, बाद में अगर जरूरत पड़ी तो हम इंस्टॉल करेंगे। तो इस तरह से हमने सारे प्लगइन्स इंस्टॉल कर लिए हैं। जो प्लगइन्स के जो अलर्ट हैं उसको हम हैंडल कर लेते हैं। तो सबसे पहले लर्न प्रेस का जो है सेटअप विजार्ड चलाना चाहिए, और लर्न प्रेस में एक जो ज़रूरत होती है वो है परमालिंक स्ट्रक्चर को पोस्ट नेम पे करने की। तो परमालिंक स्ट्रक्चर को सबसे पहले ठीक कर लें, पोस्ट नेम पे ले जाके सेट कर लें उसको। यहाँ से परमालिंक सेटिंग के अंदर परमालिंक होता है, और पोस्ट नेम पे ले जाके इसको सेव कर लें।
तब लर्न प्रेस का सेटअप विजार्ड चला सकते हैं हम। अब यहाँ से लर्न प्रेस का सेटअप विजार्ड हम चला देते हैं। लर्न प्रेस सेटअप विजार्ड अपने आप चलने वाला है। तो यहाँ पे करेंसी में हम अपनी करेंसी डाल देंगे, जैसे भी आपकी ज़रूरत हो उसके हिसाब से। यहाँ पे अगर कोर्स पेज है अपने पास तो हम कोर्स पेज डालने की ज़रूरत है, अदरवाइज तो हमें सारे ही क्रिएट करने होंगे। तो इस स्टेप को भी हम स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने स्टार्ट कर दिया तो इसको कर दे रहा हूँ। चेकआउट पेज तो था, वो मैं देख लेता हूँ। चेकआउट पेज है यहाँ पे, बिकम ए टीचर अगर है कोर्स पेज हमारे पास, प्रोफाइल हमने बनाया है और बीकेएम में टीचर भी बनाना पड़ेगा हमें। तो इस पोर्शन को हम आगे भी कर सकते हैं बाद में भी, लेकिन जो कि मैंने कर दिया था तो अभी पेपर को एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने कर लिया है और रन प्रेस का बेसिक इंस्टॉलेशन। यहाँ से कोर्सेज रन प्रेस का हम कर सकते हैं, सैंपल क्रिएट और व्यू योर साइट। तो फिलहाल अभी हम सारे प्लगइन्स का काम पूरा कर लें, फिर कोर्सेज के बारे में जाएंगे। अब जो ज़रूरी चीज़ है, यूनिसन का कंपटेबल एक्सटेंशन करना ज़रूरी है ताकि हम डेमो की ओर बढ़ सकें। तो बैकअप और डेमो कंटेंट का है, तो इंस्टॉल दिस एक्सटेंशन करेंगे। तो हमने सारी प्लगइन्स और थीम अब इंस्टॉल कर लिया। एक बार हम साइट पे नज़र डाल सकते हैं, वेबसाइट की स्थिति क्या है। थीम इंस्टॉल होने के बाद और ये न्यू लेटर और प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद ये स्थिति पे है। प्लगइन का तो असर जब हम डेमो या कंटेंट डाल देंगे तभी पता चलेगा। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है डेमो कंटेंट को इंपोर्ट करना। तो डेमो कंटेंट इंस्टॉल करने के लिए हम, चूँकि हमने यूनिशान इंस्टॉल किया है, तो टूल्स के अंदर ऑप्शन होएगा डेमो कंटेंट इंस्टॉल का, तो उस पर क्लिक करें। टूल्स के अंदर डेमो कंटेंट इंस्टॉल, यहाँ आप देख सकते हैं तीन ऑप्शन जो मैंने बताया था, तीन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इस थीम में कंपेटेबल है। तो हमने लर्न प्रेस ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर लिया है, ट्यूटर LMS और लर्न डैस। तो लर्न प्रेस और लर्न डैस जो है दोनों ही अच्छा LMS है, दोनों में से जो चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्यूटर LMS भी ठीक है, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं लर्न प्रेस रिकमेंड करूँगा। ये पुराना है और काफ़ी बढ़िया चलता हुआ LMS सिस्टम है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि यूनिसन फ्रेमवर्क पे बनी हुई जो थीम्स होती हैं वो इमेजेस को भी रिसाइज करती हैं कंटेंट इंपोर्ट होने के बाद।
तो इस पेज को आप रिफ्रेश ना करें और ना ही लीव करें। अब आप देख सकते हैं कि कंटेंट 133 MB है और ये डाउनलोड होगा, तो आप के इंटरनेट स्पीड और कई सारे फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, थोड़ा इंतज़ार करना होगा। यूनिशन फ्रेमवर्क के डेमो इंपोर्ट में एक अच्छा ये है कि इसका डेमो इंपोर्ट कभी भी फेल नहीं होता, चाहे आपके सर्वर के कोर वाइटल्स कैसे भी हो, ये ब्रेक नहीं होता। अगर इंटरनेट कनेक्शन कंटिन्यूस चल रहा है तो ये डेमो इंपोर्ट होके रहता है। तो इस फ्रेमवर्क में कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है। कंटेंट इंस्टॉल होने के बाद अपने आप ये होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो अब हम इंतज़ार कर रहे हैं अपनी वेबसाइट का, जो कि अब हमारे सामने है। सारे कंटेंट और वेबसाइट पूरी तरीके से तैयार, जैसा कि हमने डेमो में देखा था। बहुत ही स्टनिंग लुक, टू द पॉइंट। अंदर के पेजेस देख लें, अबाउट अस कोर्स पेज देख लें, काफ़ी तेज स्पीड है इस वेबसाइट की बिना किसी ऑप्टिमाइजेशन टूल के। अभी हमने चूँकि कोर्स कोई डाला नहीं है, तो हमें कोर्स डालने पे ही पता उसका व्यू दिखेगा, जो कि डेमो के हिसाब से ही होगा, उसमें कोई नई बात नहीं होगी। अभी हमारे पास कोर्सेज नहीं हैं, तो कोर्सेज हमें डालने होगा। तो इसी नेक्स्ट स्टेप में हम ई अकेडमी का थीम पैनल भी देख लें, ताकि कोर्सेज वगैरह कहाँ से डालने हैं और क्या क्या फीचर हमें मिले हैं इसको दिखा जा सकेगा। तो ट्यूटर एलएमएस या लर्न प्रेस जो भी आप इस्तेमाल करेंगे, वहाँ से आप कोर्स डाल पाएंगे। ट्यूटर एलएमएस में भी सेम फीचर है, मैं आपको लर्न प्रेस रिकमेंड कर रहा हूँ। यहाँ से आप कोर्स जोड़ सकते हैं, लेसन, क्विजेस, क्वेश्चन, ऑर्डर, सर्टिफिकेट, स्टेट्स वगैरह सारा कुछ, इवेंट मैनेजर, ब्लॉग पोस्ट तो होता ही है, न्यूज लेटर की सेटअप एक बार करनी है। अपीयरेंस और थीम ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। थीम ऑप्शंस में जो साइट की बेसिक सेटिंग है वो होता है, तो उस पर हमें क्या क्या ऑप्शन मिले हैं। यहाँ से लोगो वगैरह चेंज हो सकता है जनरल ऑप्शन से। उसके अलावा मिला है प्रीलोडर, हेडर, बैनर, पॉपअप, सब्सक्राइब, सोशल प्रोफाइल्स, फुटर, कर्सर, स्टाइलिंग ऑप्शन, ब्लॉग सेटिंग, कोर्स सेटिंग। कोर्स सेटिंग में लर्न प्रेस कोर्सेज और लर्न डेस्क कोर्सेज जो है वो दोनों ही यहाँ पर सेटिंग हो पाएगा। एक बार अगर आप देखना चाहते हैं तो ये है इसकी सेटिंग। टाइपोग्राफी, एडवांस सेटिंग, वूकॉमर्स, 404 और इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो इस तरह से हमारे को पैनल पे सारे फीचर्स मिले हुए हैं, जिससे हम वेबसाइट कंट्रोल कर सकते हैं। और आज हमने अपना वेबसाइट तैयार कर लिया है, जो कि LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हमें बनाना था। और इसमें हमने ई अकेडमी वर्डप्रेस LMS थीम, जो कि एलिमेंटर पे बना हुआ है, उसको इंस्टॉल किया है। और हम इसमें अपने कंटेंट्स डाल के, कंटेंट्स यानी कोर्स और बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वेबसाइट के, वो डाल के अब इस वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हैं। इस थीम को इंस्टॉल करने में, डेमो इंपोर्ट करने में, या फर्दर कोई आपको क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो के कमेंट्स में लिखें, मैं आपकी ज़रूर सहायता करूँगा। मेरे पास कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं, जिसमें लोगों को ये पूछना होता है कि भाई लोगो कहाँ से लगता है या इसको फर्दर कैसे कस्टमाइज़ करेंगे। तो उसके लिए WP थीम्स, इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक्स दिए हुए हैं। WP थीम्स की वेबसाइट पे आपको वो सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करें अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो, और वीडियो के डिस्कशन में भी लिखें
तो मैं दोनों ही जगह रिस्पॉन्ड करता हूँ। हाँ, आप देखते रहिए डब्ल्यूपी थीम्स चैनल, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे थीम्स लेकर आने वाला हूँ। प्लगइन्स भी हैं मेरे पास और कई यूटिलिटीज़ भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।